सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। आम आदमी पार्टी के विधायकों से लग रहे इल्जामों की सूची मुकण का नाम नहीं ले रही है। एक पासे जिथे जगराओं तो आप विधायका सरबजीत कौर माणू के NRI वाली कोठी का मसला अजे तक पूरी तरह हल नहीं होया है, उधर दूजे पासे आम आदमी पार्टी के ही एक होर विधायका से भी वड्डे इल्जाम लग गए हैं। मोगा के सेहत सुपरवाइजर महेंद्र पाल सिंह लूंबा दे वलों मोगा के आप विधायका डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा से वड्डे इल्जाम ला दिते गए ने कि MLA साहिबा दे वलों सेहत विभाग दे विच भ्रिष्टाचार किया जाता है। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया से बड़ी तेजी दे नाल वायरल हो रही है, जिस दे विच लूंबा दावा करते हैं कि SMO की बदली रुकवाने के लिए MLA साहिबा दे वलों 3 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। इतों तक उन्होंने कह दिता कि सरकारी हस्पताल के 3 AC विधायकों के वलों अपने घर के विच लगवाए गए ने। यह वीडियो वायरल होने तो बाद पंजाब की सियासत दे विच हड़कंप मचदा दिखाई दिंदा है, पर सब तो पहला तुहानू इल्जामां वाली यह वीडियो दिखा दिंदे आ। सिविल हस्पताल मोगा जिहड़ा करप्शन का अड्डा बनिया होया, उहदे सबूत है मेरे कोल। मैं यह गल एवें नहीं बोलदा पिया, साडा जिहड़ा SMO इन्ना करप्ट है, वह हरेक सरकारी फंड दे विचों पैसे पैसों का गबन कर रहा है। 30-30 हज़ार के 50-50 हज़ार के बिल्कुल जाली बिल, जिसे एक पैसे की भी दवाई नहीं आई, वह जाली बिल पास करने साडे कोले जिहड़े हैगे आ सबूत हैगे आ। और ईवन यह भी मैं दसना चाहूंगा कि साडे मैडम MLA के जिहड़े ड्राइवर है एक, वह भी सिविल हस्पताल के विचों दिता गया, उन्होंने एक तनखा सरकारी हस्पताल चो लै रहा, वह गड्डी मैडम MLA की चला रहा। वो फिर होर गल्लां बड़ियां आ जांदियां, साडे 3 सरकारी हस्पताल दे AC वो मैडम की कोठी के लगे हुए हैं, चंडीगढ़ तक जिहड़ी इन्हां दी कोठी रखी हुई है उहदे विच भी साडे सरकारी हस्पताल का AC लग्या होया। 3 लाख रुपया यह SMO की बदली 2 बार हो चुकी है। मैं कौड़ियां गल्लां बोलनियां नहीं सी चाहुंदा, पर जिन्हां ने बुलवाईयां मेरे तो 2 बारी बदली हो चुकी है डॉक्टर सुखप्रीत बराड़ की, उहदे तो 3 लाख रुपया लैके उहदी बदली रद्द की मैडम MLA ने। मैं शरे अमल जा रहा हूं, ला रहा, मेरे कोल सबूत है इस गल दा। MLA मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और उहदे विचों 2 लाख रुपया इहने आपदे कोलों दित्ता, 1 लाख रुपया साडा एक मुलाजम है गुरप्रीत सिंह, उहनूं कहिंदा वी तूं पा, उहने बेचारे ने 70,000 रुपया तां इहनूं दित्ता, बाकी उह कहिंदा मेरे कोल है नहीं। फिर उन्हें 32,000 का एक जाली बिल दिता कि आ बिल पास कर, तेरा 1 लाख रुपया फिर पूरा होगा। उन्हें मना करता ते अज वो जगराओं बैठा, उसकी बदली जगराओं करती मुल्ला फरो की बदली कर। ज्यों ही यह वीडियो सामने आई उस वेले ही सोशल मीडिया से रौला पै गया कि माण सरकार के जिहड़े विधायक ने आम आदमी पार्टी के जिहड़े विधायक ने उन्होंने इन्ने गंभीर इल्जाम 1 साल के 1.5 साल के समय के विच ही किवें लगन लग पए ने। इस तों बाद हुण आम आदमी पार्टी की विधायका दे वल्लों भी जवाब दे दिता गया है। अमनदीप कौर अरोड़ा का कहना है कि यह बिल्कुल निराधार तथहीन इल्जाम उन्होंने लाए जा रहे हैं। महेंद्र पाल सिंह लूंबा का ट्रांसफर हो रहा है, जिस करके उन्होंने इल्जाम लाए ने, पर यह ट्रांसफर भी उन्होंने एक रूटीन मैटर है, कोई भी उन्होंने खिलाफ बदलाखोरी वाला काम नहीं किया गया है। ये सारे इल्जाम झूठे ने, आप विधायकों के वालों एक गल आख दी गई है। अपने बयान दे विच महेंद्र पाल सिंह लूंबा दे वालों SMO ते भी वड्डे इल्जाम लाए गए कि वह भी भ्रिष्टाचार करते हैं, उन्होंने अपनी बदलियां 2 बार MLA साहिबां नूं रिश्वत दे के रुकवाइयां हन। हुण SMO सुखप्रीत सिंह बराड़ दे वल्लों इसकी कंप्लेंट SSP दे कोल कर दित्ती गई है, अते SSP ने भी इसकी पुष्टि कर दित्ती है कि हाँ शिकायत साडे कोल पहुँच गई है, अते इसकी जांच दे हुक्म SP रैंक दे अधिकारी नूं दे दित्ते गए हन। जांच दे विच जो भी सामने आवेगा उसके मुताबिक अगलेरी कार्रवाई की जाएगी, पर मसला हुण सियासी भी बनता दिखाई दिंदा है, क्योंकि हुणे हुणे माणू के वाल
वाला मसला हो के हटिया है। उस वेले ही एक होर महिला विधायक से भ्रिष्टाचार के इल्जाम लग गए तो विरोधी पार्टियां नूं तां बोलण दा मौका मिलेगा ही। पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों इस नूं लैके मान सरकार नूं निजी तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं खरिया खरिया सुनाउण दा काम किया गया। उन्होंने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट के नवजोत सिंह सिद्धू ने आख्या कि इस सरकार दे वल्लों मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों हुण जो दावा किया जाता है कि असी करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे, हुण पता लगना है कि जिसने खुलासा किया है उसनू प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी गल ते गौर किया जाता है कि जा फिर करप्ट बंदियां नू बचाउण दी कोशिश की जाएगी। हैल्थ सुपरवाइजर ने जो इल्जाम मोगा दे MLA ते लाए हन उस दे नाल पंजाब सरकार दी जिहड़ी छवि है, इमेज है, वो होर भी डाउन चली गई है। वो उसते वड्डे इल्जाम वड्डा तब्बा एक होर भी लग गया है। ये कहने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों की गई है। वो तो ये कहिंदे ने कि इस सरकार दे एक साल दे विच ही पता लग गया है, अजिहा हुण लगन लग पिया है कि हुण तक की सब तो ज़्यादा भ्रिष्ट सरकार है। मशहूरियां दे विच हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नूं बड़ा वधिया दिखाया जा रहा है सरकार दे वल्लों, अते असलियत दे विच सच्चाई कुछ हो रही है। बिल्कुल खाली बिल्डिंगां पईआं ने, विच मैडिकल स्टाफ नहीं है। पावर विद नो एबिलिटी टू रन द गवर्नमेंट, भाव पावर तो मिल गई है पर इन्हां नूं सरकार चलाउण दा पता नहीं है। सीधा सीधा पंजाब दा खजाना लोकां दीआं जेबां दे विच जा रहा है पर इस नूं शह कौन दे रहा है? तुगलकी फरमान तो जारी कर दिया गया है कि जेड़े हेल्थ सेंटर ने उन्होंने आम आदमी क्लीनिक बनाया जाता है पर इस दे नाल साडा नैशनल हेल्थ मिशन का 800 करोड़ का फंड रुक गया है, क्योंकि भगवंत मान नूं अपनी मशहूरी दी पई है। सिर्फ सैल्फ प्रमोशन दे करके ही NHM का 800 करोड़ पंजाब नूं नहीं मिल सकिया। नवजोत सिद्धू ने वड्डे इल्जाम मान सरकार ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ते ला दिते हन। हुण वेखण वाली गल ए होएगी कि इस मसले दे विच मान सरकार दे वल्लों की कीता जांदा है कि MLA अमनदीप कौर अरोड़ा दी इस मसले दे विच जांच करवाई जांदी है कि जां फिर सरबजीत कौर माणूके वाले मसले दे वांग ही मुख्यमंत्री भगवंत मान चुप बैठे रहणगे, क्योंकि माणूके वाले केस दे विच वी ना तां भगवंत सिंह मान बोले पंजाब दे मुख्यमंत्री ने, ना ही NRI मामलियां दे मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल बोले सन। हुण तक इस मसले दे विच वी ना तां मुख्यमंत्री बोले ने अते ना ही सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह बोले ने बोलणगे जां फिर नहीं, ये तो अजे समय की कुख दे विच है। पर इस संबंध दे विच असी तुहाडी वी राय जान लेना चाहुंदे आ। तुहानू की लगता है कि महेंद्रपाल सिंह लूंबा दे वल्लों एवें ही गुस्से दे विच आके ही विधायकां ते ये इल्जाम लगा दिते गए होणगे कि जां फिर इन्हां दे विच सच्चाई भी हो सकती है अते इस दी जांच मान सरकार नूं करवाउणी चाहीदी है? जो भी तुहानू लगता है तुसीं भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल वेखदे रहना चाहुंदे हो तां YouTube ते द पंजाब TV दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, Facebook ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली वार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब TV, हर खबर दा सच।